हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपना टूटा हुआ नाखून किस तरह से जोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपको अचानक से कहीं पे भी जाना रहता है और अचानक नाखून टूट जाता है ना, तो सच में बहुत बुरा लगता है। और हमारे पास उस टाइम पे नेल्स का ग्लू भी नहीं होता है कि हम इसे चिपका सकें, और फेविक्विक वगैरह यूज़ करने से आपके नेल्स ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ऐसा सॉल्यूशन है जो जिससे कि आप ये जो नेल है टूटा हुआ उसे जोड़ सकते हो, वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी फिंगर का नेल टूटा है ना, वो वाली फिंगर पे आपको लेमन रब करना है। अब आप बोलोगे लेमन तो नेल्स को ग्रो करता है, तो हमें ग्रो करने के लिए हम यहाँ पे इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने लेमन नेल्स के लिए यूज़ किया हुआ होगा ना, तो आपको पता होगा कि लेमन जो है ना आपके नेल्स की ग्रीसीनेस को हटा देता है। आप देखोगे आपके नेल्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं, पर एट द सेम टाइम वो हल्के से ग्रीसी भी होते हैं, ऑयली भी आपको फील होते हैं। बट जैसे ही आप नेल पेंट रिमूवर यूज़ करते हो ना, तो आपका तुरंत का तुरंत वो ग्रीसीनेस चला जाता है। तो नेल पेंट रिमूवर भी थोड़ा सा हार्मफुल होता है, तो मैं यहाँ पे लेमन यूज़ कर रही हूँ, एकदम सेफ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ना नेल पेंट रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो। फिर लगाने के बाद हम 2 मिनट तक मसाज करेंगे और 5 मिनट तक छोड़ देंगे। टोटल हमें 5 से 7 मिनट तक इसे छोड़ देना है। ठीक है, फिर जैसे ही छोड़ने के बाद ना हमें क्या करना है, इसे पानी से वॉश कर लेना है। और पानी से जब हम इसे वॉश करेंगे ना, तो हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से वॉश करना है ताकि ग्रीसीनेस पूरी तरह से निकल सके। और उसके बाद हम यहाँ पे ना इसे टॉवल से पोंछ देंगे। फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। आप चाहो तो यहाँ पे कोई सा भी कलर ले सकते हो, बट ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ना हल्की सी थिक होती है। हाँ, थिन वाली भी आती है, बट ना मेरे पास ये जो थिक वाली है ना, मैं वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास थिन वाली है, तो आप उसकी 3-4 लेयर्स लगा देना है ना, लाइन से लगाना है, सूखने का वेट मत करना। तो इसके बाद मैं जो है ना इसे अपने नेल के ऊपर लगा दूंगी। और नेल के ऊपर ना हमें यहाँ पे एक ज़्यादा थिक भी नहीं बट ज़्यादा थिन भी नहीं, ऐसी वाली लेयर बनानी है। ठीक है, और जैसे हम अपने नेल पे लगाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, उसके सूखने से पहले ही पहले हम इस पे अपने जो नकली वाला नेल है ना, उस पे भी लगा देंगे। अच्छा, ये वाला जो मेरा नेल है ना, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बाकी नेल्स से इसका कलर जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट है। अब इसका कलर लाइट क्यों है और अभी के नेल्स का कलर जो है वो वाइट क्यों है, वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम जैसे इन दोनों पे लगा लिया और इनके सूखने से पहले पहले हमने क्या करना है, इसे ना चिपका देना है। चिपकाने के बाद ना आपको इसे हल्का सा प्रेशर देना है। अब देखो होता क्या है ना, कि अगर नकली वाला नेल है तो वो तो पूरा का पूरा ही रहता है, बट ये जो है ना नकली नहीं है, ये आधा नेल है। तो हमने क्या करना है ना, हमने इस पर हल्का सा स्किन को लेते हुए, मतलब एकदम ऊपर ऊपर नहीं लगाना है, हमको थोड़ा सा आधे उंगली से स्टार्ट करना है। ठीक है, लगाना, ताकि जो नेल है ना ईजिली टूटे नहीं। फिर जैसे ये सूख जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना एक और लेयर चढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे लेयर चढ़ा दी, तो आपको लग रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये वीक नहीं होता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन टेम्प्रेरी बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आपको कहीं पे पार्टी में जाना है और आपका नेल अचानक से टूट जाए और आप नेल पेंट नहीं लगा पाओ, तो बहुत ही अजीब से अनइवन नेल्स लगते हैं। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम ये ना एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन के तरीके से सबसे बेस्ट है, और ये टूटता भी नहीं है। और अगर आपको लग रहा होगा पानी में ये निकल जाएगा, तो पानी में और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि नेल पेंट को अगर आप पानी में डालते हो ना, तो ये और ज़्यादा सूखती जाती है ना। और इससे क्या होगा ना, आपका नेल जो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ईजिली तो नहीं टूटेगा, ज़रा भी नहीं। और मैं तो यही टेक्निक अपनाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कहाँ पे हमारे पास जो नेल्स का ग्लू आता है वो रहेगा, अचानक नेल टूटता है तो नेल्स का ग्लू भी तो हमारे पास रहता नहीं है, राइट। तो ये टेम्प्ररी सॉल्यूशन सबसे बेस्ट रहता है, और आप इसके ऊपर एक नेल पेंट लगा सकते हो, तो आपके नेल्स ना और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बीच वाला नेल जो है ना वो नकली है। और अगर आप नेल आर्ट्स में इंटरेस्टेड है ना, तो मेरा दूसरा चैनल है नेल आर्ट्स डायरी, आप मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अब आप पूछोगे कि मैंने नेल्स को ग्रो कैसे किया है, और ये बीच वाला नेल का कलर इतना लाइट क्यों है लेकिन बाकियों का इतना वाइट क्यों है, तो वो वीडियो ना कल ही आएगा, ये वीडियो के जस्ट बाद में आएगा, रिकॉर्ड हो चुका है, बट ये वाला मैं पहले एडिट कर रही हूँ। तो वो वीडियो आपको इस साइड लेफ्ट साइड मिल जाएगा, यहाँ पे टैप करके ना देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।